वेलकम टू मिशिका क्लासेस। अवर स्टूडेंट टॉपिक इज चंद्रयान इसरो। आज का मेरा टॉपिक क्या है? चंद्रयान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चंद्रयान 3 के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले सारे देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई हो। किस बात की? सॉफ्ट लैंडिंग। किसकी हुई है सॉफ्ट लैंडिंग? कल चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, तो उसके बारे में मेरे सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियंस फॉर द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3। इसका मतलब क्या हुआ? अब सबको पता है कि इंडिया में क्या आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाली है। तो रक्षाबंधन पे आने से पहले हमारे चंदा मामा को हमारी धरती माता की तरफ से राखी की बधाई पहुंच गई रक्षाबंधन आने से पहले। अब हम जानेंगे कि कैसे हुई है ये चंद्रयान 3 की यात्रा। लेकिन चंद्रयान 3 की जो यात्रा है उससे पहले चंद्रयान 3 तक हम पहुंचे कैसे, पहले तो हमें वो ही जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हाउ वी रीच चंद्रयान 3 बिफोर नोइंग व्हाट इज द वे ट्रेवल बाय द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के जाने से पहले हमें चंद्रयान 3 तक हम कैसे पहुंचे ये जानना होगा। तो उसके पहले हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 ये क्या था बेसिकली? इसने क्या खासियत थी, क्या किया? ये एक स्पेस क्राफ्ट था। ओके, तो स्पेस क्राफ्ट था, इसने क्या डिस्कवर किया था? ये पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने वाटर मॉलिक्यूल देखे थे मून के ऊपर, पानी की कुछ जमी हुई बूंदे देखी थी इस चंद्रयान 1 ने। तो ये पहला मिशन था, ये कह सकते पहला स्पेस क्राफ्ट था जो स्पेस में भेजा गया बाय द इसरो। तो उसने क्या किया? वाटर मॉलिक्यूल्स की इमेजेस देखी। It captured the images in NASA's Moon's mineralogy mapper, which confirmed the water molecules on the moon. NASA के जो Moon mineralogy mapper है, ये basically एक scientific instrument है. Okay? किसका है? NASA का है. तो इसलिए NASA's नाम आगे लगा Moon mineralogy mapper. तो इसने क्या करा था? Confirm किया था कि water molecules जो जो पाए गए थे, उसकी क्या की थी? इसने images capture करी थी. Capture the images और उसको share किया था with the ISRO. ISRO के साथ इसने ये space शेयर किया था। कंप्लीट मिशन जो था डिजाइन करने वाला, मैनेज करने वाला, वो इसरो ही था। इसरो इज अ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा का पूरा जो मिशन था वो मैनेज और डिजाइन इसरो ने ही किया था। ओके, तो ये अब बात आती है इसकी लॉन्चिंग की। कब हुआ था ये लॉन्च? द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008 एट 52 minutes 11 seconds at UTC. UTC is a coordinated universal time from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, India. जो चंद्रयान 1 था, इसको जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ओके, तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उन्होंने अनाउंस किया था चंद्रयान 1 के बारे में, जिसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग जो थी वो 22 अक्टूबर 2008 को हुई थी। जो टाइमिंग थे वो क्या थे? 52 मिनट्स 11 सेकंड्स अकॉर्डिंग टू द यूटीसी। यूटीसी इज द अनकोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम को कोऑर्डिनेट करके निकाला जाता है ये। इसमें जो टाइमिंग होती है, और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो +530 यानी कि 5 hours 30 minutes इसके अंदर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है इंडियन स्पेस टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST आ जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। अगर मैं इसके अंदर 5 + 30 करूं तो हमें पता चल जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली ये कितने बजे लॉन्च हुआ था। ओके, तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द IST एंड द UTC। यूटीसी और IST में रिलेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। यूटीसी जो क्या है, दैट इज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है। ओके, अगर मुझे इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, तो मुझे क्या करना होगा? जो मेरा यूटीसी है, यानी कि जो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, उसके अंदर 5 hours 30 minutes को मुझे एड ऑन करना पड़ेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? IST यानी कि इंडियन स्पेस टाइम आ जाएगा। ओके, जो चंद्रयान 1 था वो कहां से लॉन्च हुआ था? दैट वाज लॉन्च हुआ था वो हमारा सतीश धवन स्पेस क्राफ्ट से हुआ था, और वो कहां पर है? श्री हरिकोटा, इंडिया के अंदर। श्री हरिकोटा क्या है? जगह का नाम है जहां पर ये लॉन्च किया गया था। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसके गोल के बारे में। गोल ऑफ द मिशन क्या था? टू स्टडी द केमिकल प्रेजेंस ऑन द मून एंड द जियोलॉजिकल फोटो मैपिंग ऑफ द मून। हमें इसमें क्या देखना था कि केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं और वहां पर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं मून के सरफेस के ऊपर, और साथ ही साथ
उसके जियोलॉजिकल फोटो मैपिंग की करनी थी ताकि 3D व्यू बनाया जा सके। ओके तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3D व्यू एंड द 2D व्यू, जो हम लोग देखते हैं फ्रॉम द इंडिया सरफेस या कह सकते हो फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द मून, दैट इज अ 2D मैपिंग। जो हम लोग यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, रात को देखते हैं ना, मून दिखता है, तो दैट इज क्या है, वो 2D मैपिंग है, 2D इमेज है। लेकिन जब हम किसी चीज के ऊपर जाके देखते हैं तो वहां से हमें क्या व्यू दिखेगा, उसका 3D व्यू दिखेगा। तो बेसिकली मून का 3D व्यू लेने के लिए ही जियोलॉजिकल फोटो मैपिंग करी गई थी मून की। ओके तो ये जो फोटो मैपिंग के लिए जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नासा का ही एक इंस्ट्रूमेंट था, वो यूज किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कैरिड 5 इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द इंडिया एंड सम इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, बल्गेरिया एज अ पेलोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेलोड, पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड को पहले तो ये समझो, उसके बाद मैं बताती हूँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स गए थे। पेलोड का मतलब होता है कि जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है उसमें कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को भेज रहे हैं। ओके दैट इज कॉल्ड द पेलोड, उसको पेलोड कहा जाता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ जाते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहा जाता है, पेलोड। ओके तो इंडिया जो पेलोड में जो भेजा गया था वो इंडिया के 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से थे, यूनाइटेड स्टेट्स के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, जर्मनी के थे, स्वीडन के थे और बल्गेरिया के थे। अब बात की जाती है कौन कौन से साइंटिफिक पेलोड वहां पर भेजे गए थे, यानी कि साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स है कौन कौन से यहाँ भेजे गए थे। सबसे पहले भेजा गया था टेरेन मैपिंग कैमरा, दैट इज TMC, इंडिया के। मैं पहले आपको बता रही हूँ टेरेन मैपिंग कैमरा ये इंडिया का था, TMC कहते हैं इसको। अगला भेजा गया हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, दैट इज ऑल्सो अगेन ऑफ इंडिया, HYSI। नेक्स्ट इज अ लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, दिट इज LLRI, लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, LLRI। अब बात आ रही है पर एक वर्ड लूनर की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूनर, मून इज कॉल्ड एज लूनर, मून को ही लूनर कहा जाता है। जहां पर मून सरफेस हम यूज कर रहे हैं तो मून का मतलब क्या होता है, अगर हम साइंटिफिक टर्म से बात की जाए दैट इज मीन लूनर, उसको क्या कहा जाता है, लूनर कहा जाता है। तो बेसिकली ये लूनर रेस रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या था, ये मून की लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली था, कि जो मून के सतह पे जितने भी रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेजर के द्वारा हम उसको कुछ मेजर करना है तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट था। नेक्स्ट था हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, HEX। उसके बाद मून इंपैक्ट प्रोब, MIP। दिस ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स कैरी फ्रॉम द इंडिया। ये जो पेलोड में इंस्ट्रूमेंट्स है ये सारे इंडिया के थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन एंड बल्गेरिया। फर्स्ट इज अ चंद्रयान 1 एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रयान 1 के अंदर जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था दैट इज CIX। नेक्स्ट इज अ न्यू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज SIR2। नेक्स्ट सबकेव एटॉमिक रिफ्लेक्टिव एनालाइजर, दैट इज SARA। मिनिएचर सिंपथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज MINISAR। मून मिनरोलॉजी मैप मैपर, दैट इज MP3। ये तो मेन इंस्ट्रूमेंट था जो इमेजेस कैप्चर कर रहा था। नेक्स्ट इज रेडिएशन डोज मॉनिटर, दैट इज रैंडम, RADOM, रैंडम रेडिएशन डोज मॉनिटर। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच इज कैरी एज अ पेलोड फ्रॉम द चंद्रयान 1 के द्वारा जो पेलोड में गए थे, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। नेक्स्ट उसके बाद मिशन वॉज एंडेड ऑन 28 अगस्त 2009 एट 20:00 UTC, अगेन जो अनकोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम ड्यू टू द लॉस्ट रेडियो कॉन्टैक्ट विद द स्पेसक्राफ्ट। 28 अगस्त को 2009 को ये जो मिशन था वो फेल हो गया। क्यों फेल हुआ था, रीजन क्या था फेल होने का, रीजन ये था कि उसका कॉन्टैक्ट, उसका जो रेडियो कॉन्टैक्ट था वो अर्थ के स्पेस स्टेशन से, यानी कि जो इंडिया का स्पेस स्टेशन था उससे खत्म हो गया, उससे संपर्क उसका टूट गया। टूटने की वजह से क्या हुआ, खत्म होगी बात, तो ये मिशन जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अब चंद्रयान 2 की। दी तो जब हमने बताया कि चंद्रयान 1 के बारे में, इसकी मेजर अचीवमेंट क्या रही थी, इसने क्या पाया था वहां पर, वाटर मॉलिक्यूल पाया गया था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अभी तक की इंफॉर्मेशन किसी और कंट्री के किसी भी स्पेस स्टेशन ने नहीं कैप्चर करी थी जो इसने देखी थी। अब था नेक्स्ट चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 क्यों बनाया गया था, चंद्रयान 2 क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि उसके ऊपर लैंड करके, मून सरफेस के ऊपर लैंड करके वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए, जाना जाए कि वाटर सरफेस किस फॉर्म में है, कैसे है कैसे नहीं। तो इसके लिए क्या दिया गया, अब इसको कुछ ना कुछ पेलोड से चाहिए थे ताकि वह उस पर लैंड करने के लिए, तो इट कैरीज ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर एज अ पेलोड टू स्टडी द साउथ पोल ऑफ द मून। क्योंकि वो जो मून के जो वाटर मॉलिक्यूल के जो ट्रेसेस चंद्रयान 1 को मिले थे वो कहां मिले थे, साउथ पोल पे मिले थे मून के। अब मून के साउथ पोल पे जो वाटर ट्रेसेस उसे मिले थे, जो वो आइस के जो ड्रॉपलेट्स उसे इमेजेस कैप्चर करके भेजी थी, तो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए
चंद्रयान टू को लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ लैंडर और रोवर। उसमें लैंडर और रोवर था जो भेज रहा था, साथ में एक उसके पास ऑर्बिटर था। अब बात आती है इन तीनों का काम क्या क्या होता है। ओके तो मैं आपको पहले बता देती हूँ तीनों का काम क्या क्या होता है, सो दैट कि हम आगे फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ऑर्बिटर क्या होता है बेसिकली? ऑर्बिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको भेजा जाता है, और वो क्या करता है, जिस भी स्पेस स्टेशन पे भेजा जा रहा है, मतलब अब हम मून ने भेजा तो मून के चारों तरफ उसे राउंड राउंड घूमना है, चक्कर काटना है उसने उसके, और इमेजेस कैप्चर करके भेजनी है। ओके इंफॉर्मेशन जो भी उसको मिलती है वो हमें बतानी है। लैंडर क्या है? जो लैंड करेगा, नाम से पता चल रहा है लैंडर मीन्स टू लैंड, लैंड करके जहां पर भी लैंडिंग कर रही है तो वहां से उसने इमेजेस जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर जो पेलोड भेजा गया है कि रोवर जो होता है वो उसके अंदर कैरी करता है। रोवर क्या है? रोव करता है, घूमता है। ये कह सकते हैं एआई इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऑल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का रोबोट ही आप कह सकते हो इसको, रोवर है ये। मून के सर्फेस पे घूमता और इमेजेस कैप्चर करता, इंफॉर्मेशन करता, स्टडी करता, ये इसका काम था। तो यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो थी मून के बारे में, साउथ पोल के बारे में हमें मिल सकती थी विद द हेल्प ऑफ दिस चंद्रयान 2। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, द मिशन वॉज टू टच द मून सर्फेस जेंटली, बट अनफॉर्चुनेटली द लैंडर एंड द रोवर वॉज क्रैश्ड व्हाइल लैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ मून। मिशन जो था पूरा खत्म होने को था, टच करने वाला था मून सर्फेस को, लेकिन उससे पहले कि वो टच कर पाता जो लैंडर और रोवर थे वो क्या हो गए, क्रैश हो गए। जब मून सर्फेस से पहुंचने वाले थे वो दोनों क्रैश हो गए। क्रैश होने की वजह से क्या हुआ, ये मिशन जो था वो कंप्लीटली फेल तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन पार्शली फेल हो गया। अब कंप्लीटली फेल क्यों नहीं मैं कहूंगी, ये भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। इसके अंदर जो पेलोड में गए थे वो तीन चीजें थी, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर, रोवर। लैंडर के साथ क्रैश हुआ तो लैंडर के अंदर ही रोवर था, तो रोवर भी क्रैश हो गया। बट जो ऑर्बिटर था वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाता है, उसके बाद ही लैंडर की लैंडिंग करवाई जाती है किसी भी सर्फेस के ऊपर। तो ऑर्बिटर का जब उसका सेपरेट हुआ था उसके बाद ही मिशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से जो लैंडर था वो क्रैश हो गया बिफोर टचिंग द सर्फेस। सर्फेस को टच करने से पहले वो क्रैश हो गया, तो ऑर्बिटर अलग हो गया। तो ऑर्बिटर के अलग होने की वजह से ऑर्बिटर ने जो अपना काम करना था वो स्टिल नाउ अब तक वो काम वो अपना कर रहा है, ये मिशन जो है अब तक कंटिन्यूड है। पार्शली फेल इसीलिए नहीं कहा क्योंकि आधा काम तो उसका अभी भी कंटिन्यू है, जो लैंडर ने और रोवर ने काम किया था वो फेल हो गया था, बट जो ऑर्बिटर काम था वो अभी भी कंटिन्यू है। तो दैट्स व्हाई दिस मिशन वाज नॉट कंप्लीटली फेल्ड, ये मिशन पूरी तरह से फेल्ड नहीं था, इट वाज अ पार्शली फेल्ड, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पार्शली फेल्ड हुआ। अब बात करते हैं इसकी डिजाइनिंग किसने करी। दिस मिशन वाज अगेन डिजाइन एंड मैनेज बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो लॉन्च टाइमिंग थी, लॉन्च डेट थी क्या थी, द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च ऑन 22 जुलाई 2019 एट 9:13 12 9 hours 13 minutes 12 seconds by UTC Coordinated Universal Time from Satish Dhawan Space Center, second launch pad से ये launch हुआ था from Sriharikota। जो launching जो center था वो same ही है Satish Dhawan Space Center, लेकिन जो उसका launching pad था वो second launch pad है, और ये भी Sriharikota में, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। The spacecraft Chandrayaan 2 was orbital insertion, जिसकी orbital insertion थी, मैंने भी आपको बताया ना कि orbit में insert किया गया था पहले, तो इसकी ऑर्बिटल इंसर्शन कब हुई थी, दैट वाज ऑन द 20th अगस्त 2019 को करी गई एट 3 hours 32 minutes यूटीसी, यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली वहां से इसकी ऑर्बिटल इंसर्शन उसके अकॉर्डिंग 20 अगस्त को हुई थी 2019 में। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी, लैंडिंग डेट थी वो क्या थी, 6 सितंबर 2019 एट 20 hours 23 minutes बाय यूटीसी ऑन लूनर साउथ पोल। बट ये क्या हो गया था, ये फेल्ड हो गई थी। इसकी जो लैंडिंग प्रिडिक्ट करी गई थी या लैंडिंग का अंदाजा था वो क्या था कि 6 सितंबर 2019 को लैंड कर जाएगा एट 20 आवर्स 23 मिनट्स यूटीसी के अकॉर्डिंगली ऑन द लूनर साउथ पोल। बट क्या हुआ, ये मिशन फेल हो गया। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट 2 वो सक्सेसफुली एंटर इनटू द लूनर ऑर्बिट, सक्सेसफुली एंटर हो गए थे कि ऑर्बिटर ने तो अपना काम कर दिया, बट लेकिन क्या हुआ, जब ऑर्बिटर ने उसको सेपरेट किया, ऑर्बिटर का सेपरेट होने के बाद क्या हुआ था, मून सरफेस की जब हाइट सिर्फ 2.1 किलोमीटर पार रह गया था, यानी कि लैंडर के बीच में और मून सरफेस के बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस था दैट वाज जस्ट 2.1 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू द जो ये होता है जब हम लोग ये इसको सेपरेट करके लैंड करवाते हैं, तो उस टाइम पर क्या ध्यान किया जाता है कि जो भी हमारा लैंडर है उसकी स्पीड को रेगुलेट किया जाता है, धीरे धीरे कम किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम कोई कार चला रहे हैं तो क्या होता है, जब रोकनी होती है पहले कार की स्पीड को धीरे धीरे कम करते हैं, उसके बाद ब्रेक सप्लाई करते हैं, ऐसा ही होता है। तो सेम इसी तरह का ही कुछ काम जब होता है तब होता है
जब हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाते हैं। तो टू पॉइंट जब ऑर्बिटर में करा तब तक तो उसकी फिक्स स्पीड चल रही थी, सेपरेट हो गया। उसके बाद थी अब लैंडिंग की बारी। जब हाइट 2.1 किलोमीटर तक रह गई तो उसके बाद जो हाइट जो उसकी स्पीड थी वो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अर्थ से उसका जो कॉन्टैक्ट था, जो ग्राउंड स्टेशन था, यानी कि इसरो से जो उसका कॉन्टैक्ट था, ग्राउंड स्टेशन से जो कॉन्टैक्ट था वो क्या हो गया, टूट गया। और उसके ग्राउंड स्टेशन से उसके कॉन्टैक्ट टूटने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ गई, उसकी जो स्पीड कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं हो पाई। और बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से जब वो लैंड किया, जैसे ही उसने अर्थ सरफेस को टच करा, सॉरी मून सरफेस को टच किया, वो वहीं पर क्या हो गया, क्रैश हो गया। और उसके अंदर रोवर भी था, रोवर भी उसके साथ ही क्रैश हो गया। टिल नाउ अभी भी उसके वो जो वहां पर जो इम्प्रेशन है ना, वो अभी भी है वहां पर। अब जो ये हमारा चंद्रयान 3 गया तो उसने वो इमेज कैप्चर करके भेजी है। विक्रम लैंडर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्बिटर फॉर द लैंडिंग ऑन द मून सर्फेस, बट एट अ हाइट ऑफ 2.1 किलोमीटर कम्युनिकेशन बिटवीन द लैंडर एंड द ग्राउंड स्टेशन वॉज लॉस्ट, विच लीड टू द क्रैश ऑफ द लैंडर विक्रम विद अ रोवर प्रज्ञान। लैंडर जो विक्रम था उसकी और उसके अंदर जो रोवर था प्रज्ञान, दोनों की ही क्या होगी, क्रैश हो गया। अब बात आती है इनका नाम ये विक्रम क्यों रखा गया और ये प्रज्ञान का मतलब क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो आज का तो करंट अफेयर ही यही है, तो ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा आपके, विक्रम नाम और ये प्रज्ञान है क्या चीज बेसिकली। विक्रम जो नाम है उसका नाम क्या मतलब क्या है बेसिकली। विक्रम नाम लैंडर को इसलिए दिया गया था ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर ही इनको नाम दिया गया विक्रम लैंडर का, ठीक है जी। वही मेन फाउंडर थे इसरो के, जिन्होंने मेन फाउंडेशन करने में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा इसरो बनाने में, उसी के नाम पर, उन्हीं के नाम पर इसका लैंडर का नाम क्या दिया था, विक्रम दिया गया था। और अब बात आती है प्रज्ञान। प्रज्ञान एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, विजडम, जीत होता है इसका मतलब। तो उन्हीं ये दो शब्दों की वजह से इन दोनों को नाम दिया गया, द विक्रम लैंडर एंड द रोवर प्रज्ञान। After that, अब बात करते हैं ऑर्बिटर। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था काम कर रहा है, तो उसने क्या क्या टास्क अब तक परफॉर्म करे हैं। इसने स्टडी करी है वहां की टोपोग्राफी की, मिनरल्स फाउंड कौन कौन से हैं मून सर्फेसिस के ऊपर, इसके ऊपर स्टडी करनी थी इसने। इसने वाटर आइस साउथ पोल पे आइस फॉर्मेट में, इसके बारे में हमें स्टडी करके बताया। इसने 3D मैप्स बनाने में मून के जो सर्फेस पे 3D मैप्स है उसके, जबकि वो हमारी हेल्प कर सके उसकी हेल्पिंग में इसने क्रेश करे है 3D मैप्स। नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन है लूनर सॉइल की, यानी कि लूनर सॉइल मीन्स मून के सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, कैसी है वहां की मिट्टी, इसके बारे में भी स्टडी करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द चंद्रयान 3, आज का करंट अफेयर, आज का मेन टॉपिक है चंद्रयान 3। अभी ये वहां पहुंचा है तो अभी हम बात करेंगे इसका तब से लेकर अब तक का सफर। चंद्रयान 3 के अंदर बताने से पहले मुझे गर्व हो रहा है ये बताने में दैट इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री for the successful landing of spacecraft on the south pole of moon surface. इससे पहले मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि यह आपको बताने में कि इंडिया वो पहली कंट्री बन गई है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है चंद्रयान 3 की साउथ पोल पे, मून के सरफेस के साउथ पोल के ऊपर से लैंडिंग करवाने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला इंडिया वो पहला देश बना। एंड इंडिया was the fourth country for successful landing of the spacecraft on the moon surface after China, Russia and the USA. China, Russia और USA अभी तक ये तीन ही ऐसी countries हैं जिनके spacecraft ने launching करवाई थी, मतलब जिनके spacecraft ने अब तक जो landing करवा पाए हैं moon surface के ऊपर। moon surface के ऊपर landing करवाने वाले अब तक ये तीन ही countries हैं, China, Russia और USA, but इंडिया जो थी फोर्थ वन है और साउथ पोल पे करने वाली तो पहली है। अब यूएसएसआर की सबसे पहली जो लैंडिंग थी वो यूएसएसआर ने करी थी मून के ऊपर, आपको याद होगा नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। द नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंड, मतलब हु पुट हर फर्स्ट स्टेप ऑन द मून सरफेस। नील आर्मस्ट्रांग वो पर्सन थे जिन्होंने अपना पहला कदम मून की धरती के ऊपर रखा। ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मून की धरती पे अपना पहला कदम रखा था। बट जिस स्पेसक्राफ्ट के अंदर वो वहां गए थे दैट वाज ऑफ द यूएसएसआर, वो कहां के था, वो जो स्पेसक्राफ्ट था वो कहां का था, यूएसएसआर का था। तो फर्स्ट जो स्पेसक्राफ्ट जिसने मून सरफेस के ऊपर लैंड किया वो था यूएसएसआर का, लेकिन
साउथ पोल पे करने वाला कौन सा कंट्री बनी? दैट वाज अवर इंडिया, हमारा भारत महान। अब ये क्या क्या कैरी कर रहा है एज अ पेलोड? इट कैरीज लैंडर एंड अ रोवर एज अ पेलोड टू स्टडी द साउथ पोल ऑफ अ मून। जो चंद्रयान 2 का इनकम्प्लीट मिशन था उसको पूरा करने के लिए गया है, तो इसमें लैंडर और रोवर दोनों को पेलोड की तरह भेजा गया है। द कंप्लीट मिशन वॉज डिजाइंड एंड मैनेज बाय इसरो। इसरो का कंप्लीट मिशन जो डिजाइन कर रहा है इसका, वो इसरो ही है। कंप्लीट मिशन को डिजाइन करने वाला भी, मैनेज करने वाला भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। अब बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग टाइम की। द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च ऑन 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया एट 9 hours 5 minutes 17 seconds according to the UTC. UTC के accordingly 9 hours 5 minutes 17 seconds पे इसको लॉन्च किया गया from सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकंड लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा इंडिया। अगेन जो इसका सेम स्पेस स्टेशन था वो भी श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर ही है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है और वो क्या है कि तीनों चंद्रयान श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करेंगे? द रीजन बिहाइंड, वहां पर पॉल्यूशन बहुत कम है। पोल्यूशन बहुत कम होने की वजह से ये एडवांटेज जो मिलता है हमें कि पोल्यूशन फ्री जो एनवायरनमेंट है, तो लॉन्चिंग के अंदर हमें सब कुछ नोटिस करने के लिए, उसमें ये एडवांटेज लेने के लिए सारे के सारे श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए गए हैं। आफ्टर दैट अब बात करते हैं इसकी ऑर्बिटल इंसर्शन की और सब चीजों की। द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 वॉज ऑर्बिटल इंसर्शन ऑन 5 अगस्त। 5 अगस्त को ही ऑर्बिटल में इंसर्ट कर गया था उसके। उसके बाद जो लैंडिंग डेट थी, द हिस्ट्री क्रिएटेड, जो हिस्ट्री बनी है चंद्रयान 3 के साउथ पोल पे लैंड करने की, दैट वाज 23 अगस्त 2023 एट 12 hours 32 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द यूटीसी। यूटीसी के अकॉर्डिंगली 12 hours 32 मिनट्स पे इंडिया ने स्पेस पे मून सरफेस के ऊपर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर दी ऑन 23 अगस्त 2023 एंड क्रिएटेड द हिस्ट्री, और हिस्ट्री बना दी एट द लूनर साउथ पोल। अब बात करते हैं क्या क्या इसमें किया। लैंडर विक्रम, विक्रम लैंडर का नाम और रोवर का नाम वही रखा गया जो चंद्रयान 2 का था। लैंडर विक्रम टचेस द मून सरफेस, आफ्टर दैट रोवर प्रज्ञा कम्स आउट फ्रॉम द विक्रम। पहले तो लैंडर ने अपना पैदा कदम रखा, उसके बाद जब लैंडर ने अपना कदम रखा तो वहां के एनवायरमेंट में क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, क्योंकि जब कोई चीज टच करी तो डस्ट पार्टिकल्स तो आने ही थे। तो जब वो सेटल डाउन हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर से रोवर प्रज्ञा जो थे वो रोल्ड आउट करते हुए बाहर आ गए। उसका रैंप तैयार किया लैंडर ने और उसमें से वो बाहर निकले हमारे प्रज्ञा। आफ्टर दैट प्रज्ञा जब बाहर निकले तो उन्होंने अपनी स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहला इंप्रेशन जो प्रज्ञा जब वहां पर रोवर पे बाहर आए तो उन्होंने क्या बनाया, वहां पर उन्होंने मून की धरती के ऊपर, ये बेसिकली जो प्रज्ञा है ये 6 wheels है इसके अंदर, टोटल 6 wheels का ये पूरा का पूरा जो ये रोवर, जो रोवर है ये कितने व्हील्स का है, 6 wheels का है, 3 फ्रॉम ईच साइड, हर एक साइड पे 3 व्हील्स है। जो लास्ट वाली व्हील है उसके नीचे प्रज्ञा के अंदर क्या बनाया गया, अवर इंडिया एम्बलम, इंडिया का जो एम्बलम है हमारा, द अशोक जो मतलब लायंस है और उसके नीचे अशोक स्तंभ का जो पिलर है वो पूरा का पूरा जो हमारा एम्बलम है, द लायंस कैपिटल जो एम्बलम है हमारा वो, और इसरो का साइन, वो प्रिंट करते हुए वो उसने पहला जो प्रिंट था वो बनाया। अब जब तक वहां पर धूल मिट्टी और ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक इंडिया का जो ये एम्बलम है और जो इसरो का जो वो साइन है वो मून की धरती पे प्रिंट रहेगा। अगेन इंडिया का जो एम्बलम है, जाने का जो टाइमिंग थे, जो प्रज्ञा ने वहां लैंड किया तो वो था। अब बात करते हैं ये काम कैसे करेगा, इसके ऊपर क्या करा गया है, जो विक्रम और प्रज्ञा है इसके ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है, तो वो सोलर पैनल जब उसको सन रेज उसे फॉलो होंगी तो वो काम करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए आपको अभी ये चीज समझनी पड़ेगी, जब अर्थ के ऊपर 14 डेज होंगे, 14 दिन होंगे, तब जाके मून का एक दिन बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट के 14 डेज होंगे अर्थ के, वो मून के 1 night होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कंप्लीट साइकिल होगी मून की, दैट इज ऑफ द अर्थ इक्वलेंट टू द 28 days ऑफ द अर्थ। अर्थ के 28 days के इक्वल क्या होगा, मून का एक दिन होगा, जिसमें से 14 डेज जो है वो अर्थ मून के लिए क्या हो गया, एक दिन के बराबर, और 14 डेज अर्थ के वो होगा मून के 1 night के बराबर। तो अब बात आती है काम कैसे करेंगे फॉर द नेक्स्ट 14 days। अब जब नेक्स्ट 14 डेज है, जब से उसने लैंडिंग करी तब से लेकर 14 डेज तक विक्रम एंड प्रज्ञा विल वर्क, तब तक विक्रम और प्रज्ञा दोनों काम करेंगे, स्टडी करेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है और जो भी इंफॉर्मेशन को चाहिए वो देंगे। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 40 डेज के लिए वो दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि
वहां पर सनरेज ही नहीं होंगे। अब जब सनरेज नहीं होंगे तो वो दोनों काम ही नहीं कर पाएंगे, दे डू नॉट गेट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उनको कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो और उस टाइम पर जो वहां का, और दूसरा जो मेन रीजन है ये भी जानने को हमें मिलेगा कि इतने कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि जब ये 14 दिनों तक वहां पर जब सन की रेज नहीं पड़ती है तो आप जान के बड़ी हैरानी होगी, उस टाइम पर इसका जो टेम्परेचर है मून का दैट इज अप्रोक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो विच इज अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। तो वो चीज को भी नोटिस करने के लिए हमें ये स्टडी करने को भी वहां पर मिलेगा, जो अर्थ के जो मून के सर्फेस के ऊपर जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये प्रज्ञा और विक्रम जो हमें अब बताएंगे नेक्स्ट 14 डेज के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द चंद्रयान 1, 2 और 3 जर्नी। ये सारा का सारा जो अभी तक मैंने बताया, चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की जो जर्नी थी वो मैंने आपको बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसके रिगार्डिंग जो वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकूं। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आई होप उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर उनको फिर भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।